नरेंद्र मोदी लगातार मुस्लिम कंट्रीज में जा रहे हैं, उनको सम्मान भी मिल रहा है और उन देशों से नजदीकियां बढ़ाने की कोशिश हो रही है, जो चाहे सऊदी हो, यूएई हो। हमारे देश का प्रधानमंत्री अगर मुसलमान देश में जा रहा है, सऊदी में जा रहा है, दुबई में जा रहा है, वहाँ पे वहाँ जो वहाँ के राष्ट्रपति है वो खुद उनको विजिट करने के लिए एयरपोर्ट पे आ रहे हैं, वो हमारे मुसलमान समाज को इतना आगे तक लेके जा रहे हैं, तो उस चीज़ को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हमारे देश का प्रधानमंत्री मुस्लिम कंट्री में जा रहा है। तो उसके लिए भी कुछ लोग नेगेटिव पॉइंट्स निकाल रहे हैं कि अरे वो यहाँ जा रहा है, वहाँ जा रहा है, यहाँ नहीं कर रहा है। अरे तुम पॉजिटिवली लो ना, अगर देश का प्रधानमंत्री कुछ अच्छा कर रहा है तो तुम उसके लिए अच्छा बोलो ना, तुम उसकी हमेशा नेगेटिव ही बात करोगे कि ऐसा कर रहा है, गलत ही कर रहा है, गलत ही कर रहा है। वर्ल्ड से भारत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो दोस्ती है वो बढ़ती दोस्ती कैसे देख रहे हैं? आज अमेरिका में देखिए, अमेरिका में गए, इससे पहले भी बहुत लोग जाते थे, इससे पहले कांग्रेस के टाइम में रिसीप्ट करने के लिए कोई नहीं आता था, आता था क्या? हाँ, और आज देख लीजिए, आज मोदी जी का पूरा विश्व में पूरा झंडा लगा हुआ है। आज एक एक छोटे देश का वहाँ का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री जी का पैर छूता है, ये हमारे देश के लिए कितना गौरव की बात है। यूनाइटेड अमेरिका वहाँ पे जाइए, वहाँ पे एक मंदिर का दिक्कत, मंदिर का इस बात से क्या दिक्कत? सर जी, शायद मुझे लगता है इनको पता नहीं है, जब भी मनमोहन सिंह जब हमारे देश के प्रधानमंत्री थे या श्री स्वर्गीय राजीव गांधी हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो जितना स्वागत मोदी जी का हुआ है उससे तो काफ़ी ज़्यादा इन लोगों का हुआ है जिनके मैंने नाम गिनाए। तो महाराष्ट्र के अंदर आपको दिखा क्या कि मोदी के आने के बाद से स्थिति ज़्यादा खराब हुई, पहले ज़्यादा अच्छी थी, ऐसा लगा कि? सर पहले दंगे वंगे नहीं होते थे, अब ज़्यादा हो रहे हैं, ऐसा लगा कि? नहीं, दंगे तो अभी पिछले 9 सालों में ऐसे तो कोई बहुत बड़े हुए हैं ऐसा महाराष्ट्र में तो नहीं दिखाई दे रहा है, मगर ये मुझे कई राज्यों में लोगों ने बोला, मैं गुजरात में भी गया, वहाँ भी लोगों ने कहा कि नहीं हुआ, हम दूसरे राज्यों में भी गए, उन्होंने कहा कि नहीं हुआ, लेकिन हमें बताया यही गया था कि अगर एक बार नरेंद्र मोदी आ जाएंगे तो पूरे देश में माहौल इतना ख़राब हो जाएगा कि रहना मुश्किल हो जाएगा मुसलमान। नहीं सर, मैं समझ रहा हूँ कि आज मतलब एक आदमी को, चाहे वो मुस्लिम है या हिंदू है, एक बेसिक नेसेसिटी आफ्टर कोविड सबको एक ही चाहिए कि भाई फाइनेंशियली मैं स्टेबल रहूँ, भाई मेरे जीवन बचे, मेरा बच्चा अच्छी स्कूल में जाए और मेरे को मतलब अगर कलकोट के हॉस्पिटल में जाना पड़ रहा है तो मेरा इलाज वहाँ फ्री में हो। आज एज ए यूथ मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको लग रहा है कि इस देश के अंदर आपका भविष्य अच्छा हो सकता है, ये विश्वास है कि नहीं? ऑब्वियसली हो सकता है ना, हमारा देश भारत देश महान है, ऑब्वियसली सबका होगा, क्यों नहीं होगा? दुनिया के दूसरे भी देश हैं और आप भारत में भी हैं, हम इस देश के नागरिक हैं, तो किसी को निराशा तब हो सकती है जब उसे लगे कि इस देश में मेरा अब कुछ नहीं हो सकता। नहीं नहीं, क्या ऐसा है? बिल्कुल नहीं, देश से कैसे निराशा हो सकती है? हम भारत के लोग हैं, मेहनत करने वाले लोग हैं, हम मेहनत करेंगे, सरकार का सपोर्ट रहेगा। ये देखिए, ये एक यूथ की आवाज़। बिल्कुल बिल्कुल, लगता है कि देश में रहना है और देश में जो भी नेतृत्व है उसके साथ हम आगे बढ़ेंगे। बिल्कुल चाहते हैं बढ़ना, मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, मगर आज हमारे देश का युवा कहाँ है? हमारे देश के युवा बेरोजगार है, आपके सामने बेरोजगार है सर, देश का युवा बेरोजगार है। गैस का भाव क्या था? 400 रुपया था, आज हम लोग क्या गैस का भाव दे रहे हैं? सही कि आपने महंगाई का मुद्दा लिया, हम बात करें, 1100 रुपया हम लोग आज गैस का दे रहे हैं। जो कुछ भी बढ़ रहा है जो बाहर कंट्री है उनके वजह से ये डीजल पेट्रोल का जो भाव बढ़ा था उनकी वजह से बढ़ा, इसमें सब्सिडी भी सरकार ने हटाई है धीरे धीरे करके। क्या है कि ये कानून ये एक आया था कि भाई सब्सिडी आपको खत्म कर दी। अभी देखो क्या है कि जो गरीब तबके के लोग हैं, उज्ज्वला योजना गवर्नमेंट ने लागू किया, कैसा जो अपने आदिवासी लोग हैं ऐसे लोगों को देने के लिए खर्चे तो आते हैं, वो पैसे कहाँ से? तो एक बात कही जाती है ना कि समय के साथ महंगाई बढ़ी है तो लोगों की इनकम भी बढ़ी है, क्या आज से 10 साल पहले जो इनकम थी वही आज इनकम है क्या? नहीं नहीं, आज तो बहुत इनकम बढ़ गया ना, पहले कुछ और था। आज साल पहले जो आप कमाते थे क्या अभी भी उतना ही कमा रहे? नहीं, इनकम में बढ़ोतरी हुई है, ऐसी हाँ, बात नहीं है, लेकिन खर्चे में जो है वो कई पट बढ़ोतरी हो गई। उनका यही कहना है कि अगर आपकी आय बढ़ रहा है तो आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। सर बात फैसिलिटी की आती है कि अच्छी फैसिलिटी मिले। सर अपॉर्चुनिटी किसी को मिलती नहीं है, वो ग्रैब ही करना पड़ता है। आज अगर मैं बिजनेस में हूँ, अगर एक वक्त पर अगर आज मैं एग्रेसिवली बिजनेस कर रहा हूँ तो ऑफकोर्स मेरा इनकम बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? वो तो वही आएगा, उसका टक्कर का कोई नरेंद्र मोदी नहीं तो कौन? मोदी के सामने कोई सामने है भी नहीं,
ये आप मानते हैं? मानता हूँ पता है, लेकिन अभी तक टक्कर देने वाला अभी तक एक ही आदमी है, राहुल गांधी। राहुल गांधी वो रियल है, फैक्ट एकदम। आप कुछ कहना चाहेंगे? चाहे मोदी आवे चाहे कोई भी आवे, बस हम हमारा फायदा देखेंगे। पब्लिक हम पब्लिक है, हम लोग गरीब लोग है, हम यही चाहेंगे पेट्रोल डीजल का भाव, और आजकल तो टमाटर का भाव ज्यादा बढ़ गया है। सर हमें हिंदुस्तान की पद यात्रा करने वाला पीएम नहीं चाहिए, हमें हिंदुस्तान के लिए काम करने वाला पीएम चाहिए, और 2024 में नरेंद्र मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने। राहुल गांधी कहीं टक्कर देंगे? कहीं भी नहीं। 24 में क्या लग रहा है, कोई टक्कर या फिर मामला? सर इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा, इलेक्शन आएगा तब देखा जाएगा। तो देखिए कुल मिलाकर यहाँ हर विषय पर पालघर के जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग हैं उनसे हमने बात की, महिलाओं से भी बात की, उनकी भी राय लेने की कोशिश की, खुलकर लोगों ने अपनी बात कही है। नरेंद्र मोदी की जो नीतियाँ अच्छी हैं उसके बारे में भी बात की, जहाँ उनको लगा कि इन नीतियों में कमी है उस पर भी बात की, क्या ज़रूरत है उस पर भी बात की, और 2024 को लेकर अपनी राय भी रखी। तो पालघर से मोदी को लेकर ये थी भाईजान की राय, भाईजान का ओपिनियन। यहाँ मुसलमानों के मन की बात इसलिए भी मायने रखती है क्योंकि महाराष्ट्र में उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा 48 लोकसभा सीटें हैं, जबकि आबादी के लिहाज से देखा जाए तो मुसलमान 12% हैं। दिलचस्प तो ये है कि अगले साल जहाँ देश भर में आम चुनाव होंगे वही महाराष्ट्र इसके अलावा विधानसभा चुनाव का भी साक्षी बनेगा। देखने वाली बात यह भी होगी कि उस परीक्षा में मुसलमानों के बीच कितना कारगर रहता है मोदी फैक्टर।